जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहां पर भी रहिए सुरक्षित रहिए। फर्स्ट सेफ्टी टेन वर्क। आज का वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि ऑपरेटर का पेमेंट कितना होना चाहिए, 18,000, 20,000, 22,000 या 24,000। तो चलिए हम इस वीडियो पर बात करते हैं। मैं बब्लू कुमार, आप सभी ऑपरेटर भाई से कहना चाहेंगे कि जितने भी ऑपरेटर भाई मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सभी से पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर संस्था का मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों, जो ऑपरेटर का आवाज़ है ये दबना नहीं चाहिए, इतना शेयर करिए आप लोग। आवाज़ अगर दब गया तो हम लोग का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। जो हम लोग का मुद्दा है, समस्या है, ऑपरेटर को एक समान वेतन चाहिए, ऑपरेटर को दुर्घटना होने पर उसको परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, ऑपरेटर को सही समय से वेतन मिलना चाहिए, ये तीन जो हम लोग का मुद्दा है ये हम लोग को पूरा कर दीजिए। मांग है हम लोग का मालिक से या कंपनी से, और सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग पर जो शोषण हो रहा है इस पर संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे। अगर जो मालिक या कंपनी वेतन नहीं दे रहा है, जो हम लोग पर शोषण कर रहा है, दोस्तों आए दिन जो ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है इसका आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। और आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे जेसीबी का जो ऑपरेटर है, व्हीकल लोडर, उनका वेतन कितना होना चाहिए, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए कितना होना चाहिए, डिसाइड कर लीजिए, एक मुद्दा रखिए। हर ऑपरेटर को एक समान वेतन कब मिलेगा? अभी एक सीनियर लेवल पे ही हो जाता है, ठीक। जो एक साल में सीखे हैं मशीन उनको और जो 15 साल का ऑपरेटर को, एक समान तो वेतन मिलेगा नहीं। लेकिन जो एक साल से लेकर जो अभी नया नया सीखे हैं तो उनको मैक्सिमम जो चांसियर है, जो एक साल हेल्पर किए हैं, और हेल्पर को पोस्ट कैसा मिलेगा जब तक ऑपरेटर बताएंगे नहीं भैया, ऑपरेटर कंफर्म करेंगे, लीक कर देना पड़ेगा ऑपरेटर को ये जेसीबी अच्छा से चला रहा है, तभी आपको जेसीबी का पोस्ट मिलेगा। मेरा हेल्पर से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से 10,000 और जो 12,000 में मशीन चला रहा है ये ख़त्म होगा। अगर आप अच्छे से मशीन चलाइएगा तो आपको 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 ये लास्ट पेमेंट है 24,000 ऑपरेटर का। ये देखिए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रहा है और हम लोग का जो वेतन है दिन पर दिन घट रहा है। अगर हम लोग को एक समान वेतन चाहिए तो आगे आइए आप लोग, जितने भी जेसीबी का ऑपरेटर है। कि आज के वीडियो में हम जेसीबी का ऑपरेटर के बात करते हैं और जो एक्सीवेटर के हैं उनके लिए भी हम वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, जो ग्रेडर के हैं, जो टावर के ऑपरेटर हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑपरेटर है, माइनिंग लाइन का, उनके लिए ये संस्था आवाज़ उठाती है जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। आप लोग सभी लोग इससे जुड़िए और आईडी कार्ड जरूर बनवाइए। देखिए, आईडी कार्ड इस प्रकार को आप लोग को मिलेगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का। आप लोग को आईडी कार्ड बनवाने के लिए एक फॉर्म आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको लिंक पर मिलेगा, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करिए, अपना नाम लिख कर भेज दीजिए। नाम लिख कर भेजने के बाद आप लोग को एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करना है, नाम पता लिखना है। नाम पता लिखने के बाद, डालने के बाद आप लोग को 7 नंबर में लिखना है और कोटेशन वहाँ पर लिखा रहेगा कौन सा मशीन चलाते हैं, हिंदी में भी लिखा रहेगा, वहाँ पर जो मशीन चलाते हैं जेसीबी एक्सीवेटर वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो हम व्हाट्सएप नंबर हम दिए हैं इसी पर आपको एक फ़ोटो भेजना है,
पासपोर्ट साइज का फोटो, जैसा देखिए इस तरह चेहरा रहना चाहिए फोटो में, फोटो में इस तरह चेहरा रहना चाहिए। और आप लोग डोनेशन जमा करिए, बिना सहयोग का संस्था चलेगा नहीं, आप ही लोग का सहयोग से ही संस्था इतना आगे बढ़ा है और किसी का मदद कर रहा है, केवल डोनेशन नहीं ले रहा है किसी का मदद भी कर रहा है। बहुत सारे ऑपरेटर भाई को रोजगार भी दिए हैं संस्था, बहुत सारे ऑपरेटर कहीं कहीं पेमेंट फंसा था, जिसका पास आईडी कार्ड था उनका पेमेंट भी निकलवाए हैं, जिसका आईडी कार्ड नहीं था उनका भी संस्था ने पेमेंट निकलवाया है। और आप लोग भी जुड़िए, शेयर करिए, एक लाइक एक कमेंट एक शेयर संस्था का मनोबल बढ़ाता है। और आप लोग साथ दीजिए संस्था के साथ, कदम से कदम मिलाकर चलिए। जय हिंद, जय भारत।